बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एमसीडी चुनाव में जीत कराए बीजेपी के 181 पार्षदों से मुलाकात की। बीजेपी की बड़ी जीत की बधाई देते हुए पार्षदों को विनम्रता का मंत्र दिया। अमित शाह ने कहा कि एमसीडी की जीत ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की नींव रख दी है और मैं मानता हूँ दिल्ली की विजय अनेक सालों तक नकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टियां और नकारात्मक सोच रखने वाले नेताओं के लिए एक सबक बनने वाली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के घर पर हमले के मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला किया था। ये महज रोड रेज का मामला नहीं था। सीसीटीवी की जांच में पता चला कि हमलावर नस्लवादी कमेंट भी कर रहे थे। पूरा मामला भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आई है जो कि उन लोगों को बोलते हुए सुना गया है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। इस केस में हम लोगों ने फिलहाल 7 लोगों को अरेस्ट किया है। दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में पुलिस की मुस्तैदी की वजह से चोरी की वारदात नाकाम हो गई। मामला 1 मई का है। पतंजलि की दुकान में चोरी के इरादे से बदमाश घुसे थे। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर चोर भागे, पीछे वाली कार में टक्कर भी मारी। चोर कार से उतरकर भागे, लेकिन कार की ड्राइवर सीट पर बैठा विनीत नाम का आरोपी पकड़ा गया। ईडी ने नोएडा के पोंजी स्कीम घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस दर्ज किया है। ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के मालिक अनुभव मित्तल और उसके सहयोगियों ने एक्सपायर ISO सर्टिफिकेट के आधार पर बिजनेस की ब्रांडिंग की। इस मामले में ईडी पहले ही 5,99,28,000 रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। दिल्ली के स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगाने के सरकार के निर्देश को कुछ पर्यावरण के जानकार सही नहीं मानते। कुछ का कहना है कि इससे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। CSIR संस्थान के अनुराग अग्रवाल का मानना है कि ऐसे फैसले को अमल में लाने में काफी मुश्किल होगी, क्योंकि सही वक्त पर फिल्टर चेक नहीं किया गया तो एयर प्यूरिफायर सिस्टम काम ही नहीं करेगा। दिल्ली सरकार के करीब 1100 स्कूलों में इसे लगाया गया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक से जवाब देने की मांग की है। उद्धव ठाकरे ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मन की बात करने वाले मोदी अब पाकिस्तान के खिलाफ गन की बात करें। मुंबई में पाकिस्तान के खिलाफ लोग गुस्से में हैं। सीमा पर भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद पाकिस्तानियों की नापाक करतूत पर विरोध जताते हुए विश्व हिंदू परिषद संगठन ने मुंबई कलेक्टर ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी के पार्षद रईस शेख ने पार्षद की तनख्वाह 10,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की मांग की है। रईस शेख ने BMC कमिश्नर अजोय मेहता को लिखी चिट्ठी में कहा कि पार्षदों की तनख्वाह बढ़ाई जाए ताकि वो अपनी ड्यूटी ठीक से कर सके। महाराष्ट्र के पुणे में दो लुटेरों ने अग्निशमन यंत्र की मदद से लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुणे के बाघोली इलाके में दो लुटेरे बगाड़े ज्वेलर्स में घुसे और उसमें काम कर रहे लोगों की तरफ निशाना कर अग्निशमन यंत्र दबा दिया। हालांकि दुकान में काम करने वालों ने फौरन सायरन दबा दिया, जिसके चलते लुटेरों के हाथ में जितना सोना आया उतना लेकर चंपत हो गए। देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फहराया गया है। ये ध्वज महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की मौजूदगी में फहराया गया। ध्वज स्तंभ 303 फुट ऊंचा है, जिस पर 19 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा झंडा लगाया गया है।